हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडमा पूछती है जिन्यू मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। लू बताता है फू की वजह से वो मुझसे गुस्सा है, मैंने उसे गलत समझ लिया था कि वो आपको हर्ट करना चाहती है। ग्रैंडमा बोलती है तुम कितने पागल हो, वो मुझे हर्ट कैसे कर सकती है, ये बताओ तुम उसे लाइक करते हो या नहीं। लू बोलता है माना कि हमारी शादी फेक थी, पर मैं उसे प्यार करता हूँ, इवन उससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें अपने दिल की बात जिन्यू को बतानी होगी, तभी तो वो समझ पाएगी ना। मुझे नहीं पता तुम उसे कैसे मनाओगे, पर मुझे मेरी बहू वापस चाहिए। लू जिन्यू को कॉल करे जा रहा था, पर वो तो पिक नहीं करती। तभी असिस्टेंट आकर बताता है भाभी तो एक पार्क में मुंह फुलाकर बैठी हुई है। इधर जिन्यू को अपने हस्बैंड पर गुस्सा आ रहा होता है, लू उसके पास आता है। जिन्यू पूछती है क्या है, क्यों आए हो। लू बोलता है मुझे माफ कर दो, फू की बातों में आकर मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, पर उसका सच अब मेरे सामने आ चुका है। जिन्यू पूछती है क्या तुमने इस बार भी फू को छोड़ दिया है। लू बोलता है मैं ऑलरेडी उसे बहुत सारे चांस दे चुका था, इस बार मैंने उसे जेल भेज दिया, क्या अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो। जिन्यू बोलती है वादा करो दोबारा ऐसा नहीं करोगे। लू बोलता मेरे पास एक और गुड न्यूज है, तुम्हारी मोम को होश आ गया है। जिन्यू तो खुश हो जाती है और तुरंत अपनी मोम से मिलने आ जाती है। जिन्यू अपनी मोम के सामने लू की तारीफें किए जा रही थी, वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। मोम बोलती है वो तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हारे डैड ने उस पर जो एहसान किया है ना, उसी का कर्ज उतार रहा है। तुम उसके एहसान को प्यार समझ बैठी हो, फ्यूचर में तुम्हें हर्ट हो सकता है। ये सुनकर जिन्यू भी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो लू से खफा खफा रहने लग जाती है। लू उसका हाथ पकड़ने लगता है तो जिन्यू नहीं पकड़ने देती। लू पूछता है क्या हो गया है। जिन्यू बोलती है मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है, और कार में बैठ जाती है। लू उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है, जिन्यू वो भी नहीं करने देती। लू बोलता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जिन्यू बोलती है कुछ भी तो नहीं है। लू बोलता है वादा करो कभी मुझसे कुछ भी छुपाओगी नहीं। जिन्यू ओके बोल देती है। रात में लू उसके साथ रोमांटिक हो रहा था, पर जिन्यू बोलती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लू पूछता है क्या कहा, दोबारे बोलना। जिन्यू बोलती है मैंने कहा मुझे डिवोर्स लेना है। लू बोलता है उस पे की वजह से मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ना। जिन्यू बोलती है नहीं, कितनी बार कहूँ मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लू बोलता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, और उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन्यू उठते ही वहाँ से जाने लगती है। लू उसका हाथ पकड़ लेता है, कहाँ जा रही हो, पे के पास जा रही हो क्या। जिन्यू बोलती है मैंने डिवोर्स का डिसीजन उसकी वजह से नहीं लिया है, वैसे भी हमारी शादी फेक है, मुझे इस शादी में नहीं रहना। लू बोलता है पर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। जिन्यू बोलती है मुझे पता है ये एहसान है, और मुझे एहसान वाला प्यार नहीं चाहिए। लू बोलता है चलो छोड़ो, आज ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, हम दोनों जाएंगे। दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं, पर उनके सामने पे आ जाता है, ये दोनों तो शौक हो जाते हैं। जिन्यू पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पे बोलता है क्या हुआ, मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। लू बोलता है मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा था, सोचा नहीं था तुम खुद ही मेरे सामने आ जाओगे। पे बोलता है तुमने मेरे डैड को मारा है, और उसे पंच मार देता है। लू भी कहाँ कम था, दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जिन्यू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में उसे ही धक्का लग जाता है। पे लू को मारने ही वाला था, तभी जिन्यू उसे हिट कर देती है। पे बोलता है तुमने मुझे हिट कैसे किया, वो भी इस लू के लिए, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी लू उसे एक लात मारता है, वो नीचे जाकर गिरता है। लू बोलता है मेरी वूमेन को टच करने का सोचा भी कैसे, और दोनों जाने लगते हैं। तभी पीछे से पे चाकू मारने वाला था, लू देख लेता है, और जिन्यू को बचाने के चक्कर में चाकू उसे लग जाता है। पे वहाँ से भागने वाला था, लेकिन लू उसे पकड़ लेता है। तभी गार्ड्स आकर उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जिन्यू लू को ऐसा देखकर रोने लग जाती है। लू बोलता है हमारी शादी फेक थी, पर मैं तुमसे सच में सच्चा वाला प्यार करता था। ये भूलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिन्यू को लगता है ये तो गया काम से। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बताता है अब आपके पति खतरे से बाहर है। जिन्यू को तब जाके सुकून मिलता है, वो अपने पति के होश में आने का इंतजार कर रही होती है, और बोलती है मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जल्दी से होश में आ जाओ ना। तभी लू को होश आ जाता है,
चिन्यू खुश हो जाती है। लू बोलता है, अब तो मुझे डिवोर्स नहीं दोगी ना, मैंने तुम्हारे लिए चाकू भी खा लिया है। चिन्यू बोलती है, सोचूंगी। लू बोलता है, सारी मेरी गलती है, हमेशा तुम पर डाउट करता रहा। चिन्यू बोलती है, गलती मेरी भी है, मैंने पेपर को ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। चिन्यू लू के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी और उसे खिला रही होती है, लेकिन लू बोलता है, अपने हाथों से खिलाओ। चिन्यू बोलती, तुम्हारे हाथों पे थोड़ी लगी है, तुम खुद खा सकते हो। लू बोलता, पर मुझे तो तुम्हारे हाथों से खाना है। मजबूरन चिन्यू को उसे खिलाना ही पड़ता है। लू के गले में खाना अटक जाता है। चिन्यू उसे पानी पिलाने लगती है पर घबराहट में गड़बड़ कर देती है। लू बोलते, क्या हो रहा है, ये तुम क्या कर रही हो। चिन्यू बोलती है, सॉरी अभी साफ कर देती हूँ। लू उसे अपनी शर्ट चेंज करने को कहता है। चिन्यू उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है, लेकिन लू तो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। चिन्यू बोलती है, ये क्या कर रहे हो, यहाँ डॉक्टर आ सकते हैं, भूलो मत ये हॉस्पिटल है। लू बोलता, मैं क्यों डरूं किसी से, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, और उसे किस कर देता है, और दोनों का वहीं पर रोमांस चालू हो जाता है। नेक्स्ट इवनिंग लू चिन्यू को बोलता है, आज रात तुम यहाँ मेरे साथ मत रुकना। चिन्यू पूछती है, क्यों, मैं तो रुकूंगी। लू बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर रुको और तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाए, फिर तुम बहुत ही ज्यादा बुरी लगोगी। चिन्यू बोलती है, ठीक है, बहाने मत बनाओ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बेहोश होकर उसकी भावों में गिर जाती है। लू को तो फिक्र होने लग जाती है और तुरंत डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाता है। डॉक्टर चेक कर बताता है, उनकी बॉडी में कुछ विटामिन की कमी हो गई थी, इस वजह से बेहोश हो गई थी। लू बोलता है, यानी घबराने वाली बात नहीं है ना। डॉक्टर बोलता है, बस मिसकैरेज होते होते बचा है। लू तो शोक हो जाता है, आप कहना चाहते हैं मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर बताता, हाँ और कैसे पति हो, 2 महीने से वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको पता नहीं है क्या ये बात। लू तो खुशी की मारी जिन्यू को बोलता है, मैं डैड बनने वाला हूँ। जिन्यू भी इस खबर से बहुत ज्यादा खुश थी, मैं भी मोम बनने वाली हूँ। दोनों हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। लू जिन्यू की बेली पर अपना सर रख कर बच्चे की किक को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जिन्यू बोलती, अभी 2 मंथ हुए हैं, बच्चा किक कैसे मारेगा। लू बोलता, ये बताओ अब तो मुझे डिवोर्स नहीं दोगी ना, वैसे भी तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। चिन्यू बोलते, अगर तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारी हेल्प की थी, तो मुझे इस शादी में नहीं रहना। लू बोलता, पागल लड़की, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था, वरना मैं तुम्हारे साथ क्यों रहता, और तुम्हारे डैड के बारे में तो मुझे बाद में पता चला था। चिन्यू बोलती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लू बोलता है, प्यार करती हो तो डिवोर्स तो मत देना एटलीस्ट। चिन्यू बोलती है, अरे बाबा नहीं दूंगी डिवोर्स, हमेशा हम साथ में रहेंगे। लू तो खुश हो जाता है। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।